वेलकम टू इतिशा क्लासेस पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स 2 में मॉडर्न फिजिक्स का मल्टीपल चॉइस के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला सवाल है, कूलम्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज आर 1/r, आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर, ये होता है 1/r स्क्वायर वेरी करता है। कूलम्स फोर्स जो होगा आपका 1/r स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज एम, एम माइनस वन, सी एम, सी एम माइनस वन, तो ये सी एम हो जाएगा। अब द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फोर्स स्पेस इज, ये कहता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फोर्स स्पेस कितना होगा, उसका मान कितना होगा, 8.85×10^-12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर मीटर माइनस मतलब 1/2 8.85×10^-12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर माइनस 2 9×10^-9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, कूलम्ब स्क्वायर माइनस 2 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, आप ऑप्शन देखिए, पहला एम एल टी क्यू ए माइनस वन, एम एल क्यू टी ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी पावर टॉर्क एंड फोर्स, एनर्जी का यूनिट है। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट 0, 1 ohm, 10 ohm, तो ये 0 होगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक वायर इज रो, व्हेन इट्स लेंथ इज डबल इट न्यू रेजिस्टिविटी इज, तो आपका 2 ohm, 2 rho, rho by 2, 4 rho, rho, तो आपका रो आंसर होगा। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज 0°, 45°, 90°, 30°, 0°। एंगल डीप की बात करें मैग्नेटिक इक्वेटर की। लेंज लॉ इज द अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ किसका कंजर्वेशन करता है, मास का, एनर्जी का, मोमेंटम का, चार्ज का, तो एनर्जी का ही। ए चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड इन इट्स वेलोसिटी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम बिकम हाफ इंक्रीज। पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट इज ए जेड, सॉरी आर जेड बाय आर, सी आर बाय जेड, आर जेड, तो ये आर बाय जेड होगा। पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन 2 to 2.5, 5, 0 to 1, 1 to 2, तो पावर फैक्टर आपका वेरी करता है 0 से 1। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ईडी करेंट, नन ऑफ दी, तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रकार। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जूल, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एएमयू, क्यूरी, क्यूरी इसका हो जाएगा। एच आई, एफ आई मीन्स हाई फिक्सेशन, हाई फिडेबिलिटी, हाई फिटिंग, हाई फिलिंग, तो हाई फिडेबिलिटी होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिफ्लेक्टर इन ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, पैरेलल टू इच अदर, जीरो टू इच अदर, नॉन द परपेंडिकुलर टू इच अदर होगा। द काउज ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इन ए क्लोज कॉइल इन मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉन ऑफ दिस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सेल्फ इंडक्शन, आप ऑप्शन देख लीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए के पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए के पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए के पावर माइनस वन, एम एल स्क्वायर एम एम टी माइनस टू ए के पावर माइनस थ्री, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, द पीक वैल्यू ऑफ ए सी वोल्टेज ऑन है 220 volt मीन्स इज, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट टू गिव ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप जे सी बोस, मार्क्यूरी, मैक्सवेल, हर्ट्ज हो जाएगा आपका। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज पी, द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव लेंथ इज एच बाई पी हो जाएगा।
एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। थैंक यू।